एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ निफ्टी पर रणनीति बताने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के शुभम अग्रवाल से। शुभम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए, क्या रणनीति होगी इस वक्त आपकी निफ्टी पर? जी अनिल जी, अगर आप निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो 5650 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल रहा है, जो हमने पिछले दो तीन बार पॉइंट आउट किया कि 5650 पे बहुत सारे लॉन्ग टर्म स्टडीज जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव है, जिस तरह के इंटर मार्केट से हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं। बट फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव 5650 का जो सपोर्ट है वो अभी टूटता हुआ नहीं दिख रहा है, और बहुत ही अच्छा चांस है कि मार्केट एक ऑस्किलेशन एंटर कर सकता है, जिसका जो बैंड हम देख रहे हैं दैट कुड बी बिटवीन 5650 टू 5970। तो ये एक बहुत ही बड़ा बैंड जो है निफ्टी में वो अभी और कमिंग कुछ वीक्स के लिए एक्टिवेट हो सकता है। तो करंट लेवल पे अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल होता है फॉर अ पुल बैक। तो जस्ट इन केस निफ्टी में अगर 20-25 पॉइंट की एक पुल बैक अगर हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग द डे, देन दैट कैन बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और जो ऊपर हमें लगता है कि टारगेट मिल सकता है अगले 4 से 5 ट्रेडिंग डेज में, दैट इज एट 5870। सो बाई करने की सलाह होगी इन अ पुल बैक ऑफ 20-25 पॉइंट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 5650, और जो ऊपर में हमें टारगेट दिखता है दैट इज एट 5870। चलिए खरीदारी कराए, पहले एक्सपर्ट की तरफ से। शुभम, बुलिश है बाजार पर, इस पुल बैक में बाजार को थोड़ा और ऊपर जाने की वो उम्मीद कर रहे हैं। 5870 होगा टारगेट ऊपर की तरफ का, खरीदें यहां पर स्टॉप लॉस 5650 का अगले 5 दिनों के लिए। शुभम की राय। हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेवा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मनोज, स्वागत है आपका, बताइए क्या रणनीति आपकी है इस वक्त, आप क्या करेंगे? अनिल जी, निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन होती हुई सी लग रही है। 4 मार्च को भी जो है निफ्टी ने 5680 का एक लो लगाया था और आज भी एक 5680 का लो लगाया है। तो शॉर्ट टर्म में बेटर यही होगा कि निफ्टी को बाय करके चले, नीचे में 5710 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 5800 और 5830 तक के लेवल 2-3 दिनों में ही देख सकेंगे। चलिए, डबल बॉटम बनने की संभावना यहाँ पर जो दिख रही है 5670 के आसपास, वहां से खरीदारी का एक मौका बन रहा है। 5710 स्टॉप लॉस से छोटा, यहाँ से 25 पॉइंट नीचे खरीदे निफ्टी को आप, अभी इसी वक्त ऊपर की तरफ 5830 के लेवल आते हुए दिखेंगे बहुत जल्दी अगले 2 से 3 दिनों में, ये राय है मनोज की। मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना हमारे अगले एक्सपर्ट है निफ्टी पर, राय देने के लिए तैयार। आशुतोष बताइए क्या कह रहे हैं निफ्टी के चार्ट्स? नमस्कार अनिल जी। अनिल जी, मैं भी यहाँ पे एक पुल बैक उम्मीद करता हूँ। निफ्टी ओवरसोल्ड एरिया में है इन लेवल्स पे, और एवरी डिप शुड बी टेकन एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 5680 का रहेगा, और 2 से 3 दिनों में हमें टारगेट 5820 के मिल सकते हैं निफ्टी में। चलिए, पुल बैक पर यहाँ पर भरोसा कर रहे हैं आशुतोष भी। 5820 का है टारगेट ऊपर की तरफ का, 5680 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदने का मौका उन्हें निफ्टी पर इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पर अब हैं राजेंद्र पटेल, हाईसाइड कैपिटल मार्केट्स के। पटेल साहब, आप क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पर? या अनिल जी, डेफिनेटली आई विल अग्री टू ऑल द एक्सपर्ट जो भी बोल रहे हैं कि लॉन्ग कीजिए निफ्टी में। अगर 10 से 15 पॉइंट की डिप मिलती है तो यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी में समझता हूँ, और जो पुल बैक रैली है वो 5780 तक जा सकता है। 5780 से 5800 के ऊपर मार्च सीरीज में मेरे को नहीं लग रहा है कि निफ्टी ऊपर सस्टेन कर पाएगी, तो उन लेवल्स पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, 5780 छोटा है ऊपर का टारगेट, और वहां पर आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग 45 अंक ऊपर। स्टॉप लॉस भी छोटा है 35 अंक नीचे का, 5700 के आसपास। राजेंद्र पटेल कह रहे हैं निफ्टी पर करिए आप खरीदारी। आखिरी एक्सपर्ट को शामिल करते हैं टेक्नो शेयर्स के, हुसैनी वड़ारिया है हमारे साथ। हुसैनी, इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे 5 में से 4 एक्सपर्ट की राय अब तक जो हमने ली है वो तेजी की तरफ आती हुई दिख रही है। क्या आप एक कॉन्ट्रा खोल लेंगे, इस उछाल में बिकवाली करेंगे, या फिर बाकी एक्सपर्ट्स के साथ आपको भी लगता है कि तेजी करनी चाहिए? नहीं, अभी देखिए तो एक मार्केट में एक रिलीफ रैली आने की चांसेस ज्यादा हो गए। ओके, तो काफी दिनों के करेक्शन के बाद में मार्केट जो है ओवरसोल्ड में आ गया है, और एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर जो है अभी एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो आज का बॉटम बना है 5670, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉटम है, वहाँ का स्टॉप लॉस लगा कि आप निफ्टी को जहाँ भी निफ्टी करेक्शन में आ रहे दिन में वहाँ बाय कर सकते हैं। जो 3 या 4 दिनों में 5820 का टारगेट जो है देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
खरीदारी की राय आखिरी एक्सपर्ट की भी 5820 का टारगेट दिख रहा है 400 हुसैनी को, और उन्हें लगता है 5670 के स्टॉप लॉस जो कि है आज का लो, यहां पर लगाएं और खरीदें निफ्टी को। पांच एक्सपर्ट्स की राय आ चुकी है आपके सामने, समक पर दूं पांचों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तेजी करिए। आप उनकी राय के मुताबिक अगर निफ्टी में करना चाहते हैं तेजी तो स्टॉप लॉस क्या होगा? इंट्राडे के लिए छोटा स्टॉप लॉस 5700 का, डीप स्टॉप लॉस लगाना चाहें 5675 की रेंज में लगा लें, 5650 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस रखें। पोजिशनल ट्रेड के लिए खरीदें निफ्टी को आप अभी इसी वक्त, और ऊपर की तरफ का जो टारगेट होगा छोटा टारगेट इंट्राडे के लिए 5780 का, लेकिन उसके पार निकले तो 5830 5870 ऐसे लेवल भी आते हुए दिखेंगे निफ्टी पर अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में, ये राय आती हुई। लेकिन राय एकदम साफ, सबके सब हमारे पांचों एक्सपर्ट कहने की तेजी करने के मूड में रहिए, और अगर निफ्टी पर यहाँ से 15-20 पॉइंट का एक इंट्राडे में कहीं कोई कमजोरी का संकेत मिले तो बेहतरीन मौका होगा खरीदारी करने का। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद शुभम अग्रवाल हमारे साथ हैं, निफ्टी पर वो बुलिश हैं वायदा कारोबार में, उनकी पसंद की 5 टॉप ट्रेडिंग पिक्स लेंगे स्टॉक फ्यूचर्स की, बने रहिए हमारे साथ। मजबूती बरकरार, बाजार में हमारे 5 के 5 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स पर आप अभी भी कर सकते हैं खरीदारी, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाएं 5700 से लेकर 5650 की रेंज में, खरीदें 5780 से लेकर 5870 के टारगेट के लिए। तो तेजी करने की राय हमारे एक्सपर्ट्स की साफ तौर पर आती हुई दिख रही है यहाँ पर निफ्टी पर। शुभम अग्रवाल हमारे साथ है, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के, निफ्टी पर बुलिश है, उनकी लिस्ट में है 5 कॉल्स, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि निफ्टी पर वो बुलिश है लेकिन 5 में से 2 कॉल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर वो मंदी करने की राय दे रहे हैं। लेकिन पहले बात करेंगे उन शेयरों की जहाँ पर वो बुलिश है। HDFC लिमिटेड दिग्गज निफ्टी का स्टॉक, खरीदारी की राय बताइए शुभम। या डेफिनेटली, अगर आप HDFC लिमिटेड का स्ट्रक्चर देखें तो एक लॉन्ग टर्म में जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 2 साल के कंसोलिडेशन से, वो 770 का लेवल अभी फिर से टेस्ट कर लिया है स्टॉक ने, और हमें लगता है कि दिस इज़ अ गुड लेवल टू बाय, बिकॉज जो ओवरऑल अपट्रेंड था स्टॉक में वो लगता है कि अब रिज्यूम होना चाहिए। सो वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, तो यहाँ पे एक खरीदारी की सलाह होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 840 एंड अ स्टॉप लॉस फॉर द ट्रेड कैन बी केप्ट एट 780। इवन पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, उनके लिए भी ये सलाह होगी कि दिस इज अ मस्ट हैव इन द पोर्टफोलियो। 4% ओपन इंटरेस्ट में आज बदलाव, लेकिन 3% की मजबूती भी आज काफी बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ HDFC का स्टॉक, 840 तक जाएगा, खरीद कर चले ऐसी राय शुभम की आती हुई दिख रही है वायदा कारोबार में। अगला स्टॉक वो है आइडिया सेलुलर, हालांकि आज शुभम आरकॉम और भारतीय एयरटेल तो चार्ट स्टॉप कर रहा है, लेकिन आपने आइडिया को पसंद किया है, क्यों? यस, बिकॉज लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि आइडिया एक सबसे सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मर रहा है, अगर हम रिलेटेड ट्रेंड देखें भारती या फिर आरकॉम के साथ, तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है आउट परफॉर्मेंस का वो कंटिन्यू होना चाहिए, और हमें अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी ऐड नहीं करना चाहिए, एंड आइडिया इज समथिंग विच हैज़ लो वोलेटिलिटी। 108 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था स्टॉक में, जहां पे हमने देखा कि स्टॉक 2-3 बार रिटेस्ट करके वहां से एक रिबाउंड देखने को मिला है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म पैटर्न्स के बेसिस पे ये बहुत ही एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जहां पे 107 रुपये के स्टॉप लॉस से जो हम अगले 5 से 6 दिनों में टारगेट देखते हैं स्टॉक के लिए, दैट इज एट 120 रुपीज। चलिए आइडिया के स्टॉक में भी तेजी करने की राय, और आज के सेशन में स्टॉक फिर से मजबूत 2%, खरीदारी का मौका 120 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक है वो है TCS, क्या कह रहे हैं इसके चार्ट शुभम? यस, आईटी में अगर हम बात करें, आईटी हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स अमॉन्ग सेक्टर्स, ऑल द सेक्टर्स दैट हैव बीन यू नो मूविंग फॉर पास्ट 1.5 मंथ, तो मुझे लगता है TCS शुड कंटिन्यू द इट्स यू नो रैली, और जो लीड कर रहा है TCS आईटी को, दैट आउट परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू। एक बहुत ही शॉर्ट टर्म पैटर्न जिसे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं वो फॉर्म हुआ है, जिसमें आज हमें इंट्राडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट का साइंस देखने को मिला है, तो मुझे लगता है ये जो ब्रेकआउट है दैट इज सस्टेनेबल फॉर अ टारगेट ऑफ 1615, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए ट्रेड के लिए दैट इज एट 1550। TCS आज के सेशन में मामूली तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर खरीदारी का मौका है 1615 के टारगेट के लिए, एक स्टॉप लॉस आपको छोटा 1550 के आसपास, 1% की रिस्क, लेकिन मुनाफा काफ़ी बेहतरीन हो सकता है 4-5 दिनों के लिए, ये चार्ट्स कह रहे हैं शुभम की राय यहाँ पर आती हुई। देखिए अगले 2 स्टॉक हैं वहाँ पर, दोनों में शॉर्ट पोजिशन बनाने की राय शुभम की आ रही है, और उनमें पहला स्टॉक जो है वो एक मिड कैप स्टॉक क्रॉम्पटन ग्रीव्स, क्यों बेचना चाहते हैं आप शुभम?
इस अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें क्रॉन्ग टर्म ग्रीव्स का, तो दैट इज सिग्निफिकेंटली नेगेटिव। 102 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि स्टॉक ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है वहां से एक ब्रेकडाउन। तो मुझे लगता है ये जो पुल बैक हो रहा है मार्केट में, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू सेल सम ऑफ द स्टॉक्स विच आर नेगेटिव ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट। तो बिकॉज हमारा जो लॉन्ग टर्म बायस है ऑन द मार्केट इज नेगेटिव, ये जो हम रैली की बात कर रहे हैं अप टू 58-70, दिस इज वेरी मच टेम्पररी इन नेचर। तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स लाइक क्रॉन्ग टर्म ग्रीव, जिसका कि ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब है, दैट विल फाइंड रेसिस्टेंस एंड दिस इज अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सो अ शॉर्ट टर्म ट्रेड इज पॉसिबल। 88 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अगले 5 से 6 ट्रेडिंग डेज में, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए सेल ट्रेड के लिए, दैट इज एट 97 रुपीज। चलिए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पहला स्टॉक है जो 2% मजबूत और इस उछाल में बिकवाली की राय यहाँ पर शुभम की आती हुई दिख रही है, और उन्हें लगता है कि नीचे की तरफ ये फिसलेगा। 88 रुपये तक 97 रुपये के स्टॉक लॉस से आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। और अगला स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प, ये तो काफी दिनों से कमजोर होता हुआ दिख ही रहा है शुभम, क्या अब भी बेचा जा सकता है? यस डेफिनेटली। अभी जो टेम्पररी स्टॉक ने देखा कि 1610 1612 के आसपास जो पहले का बॉटम था वहां से एक टेम्पररी रिबाउंड हमें देखने को मिला है, बट दैट लो इज नॉट सस्टेनेबल। तो मुझे लगता है कि अभी जो रैली हुआ है स्टॉक में, दिस कैन बी यूज एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। जो शॉर्ट टर्म टारगेट हम देखते हैं स्टॉक के लिए, दैट इज एट 1560 रुपीज, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए सेल ट्रेड के लिए, दैट इज एट 1706। बट इवन फॉर इन्वेस्टर्स जो कि और लॉन्ग टर्म इन नेचर है, उनके लिए भी ये सलाह होगी कि हीरो होंडा इज एन एग्जिट फ्रॉम द पोर्टफोलियो, बिकॉज जो लॉन्ग टर्म टारगेट हम देख रहे हैं स्टॉक के लिए, दैट इज एज लो एज 1450। थोड़ा उछाल आया हीरो मोटोकॉर्प में लोअर लेवल से, और इस लोअर उछाल में ही आपके लिए बिकवाली के मौके हैं। आज भी स्टॉक आप देख सकते हैं 0.5% मजबूत है और शॉर्ट पोजीशन बनाए, 1560 तक फिसलेगा स्टॉक, 1706 के आसपास के स्टॉप लॉस से बिकवाली की राय शुभम की। तो दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर मंदी करने की राय क्रॉम्पटन ग्रीव्स और हीरो मोटोकॉर्प, वहीं तेजी करने की राय आती हुई दिख रही शुभम की HDFC, आइडिया और TCS जैसे शेयरों में। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे ऑप्शंस की रणनीति पर। बने रहिए हमारे साथ। और अब यहाँ पर फोकस करते हैं ऑप्शंस की रणनीति पर। हमारे साथ वे टू वेल्थ स्टॉक ब्रोकिंग के आदित्य अग्रवाल जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। आदित्य, स्वागत है आपका, बताइए किस ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी चाहिए? मेटल सेक्टर में हमने काफी एक अच्छा एक सेलिंग प्रेशर दिखाया पिछले कुछ दिनों में आते हुए, पर्टिकुलरली सिरसा गो में देखें तो ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन दिखा है, लेकिन नीचे में 150-151 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहीं से अगर हमने स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखा है, हमको लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है और स्टॉक ऊपर में 168 से लेकर 170 तक के लेवल इसी एक्सपायरी में दिखा सकता है। इसी व्यू को जाने रखे हमने सिरसा गो में एक बुल कॉल रेशियो स्ट्रेटेजी बनाई है। इसके अंदर 160 का एक कॉल ऑप्शन बाय करना है जो कि 2.80 रुपए से 2.90 रुपए के आसपास चल रहा है। उसके सामने अपनी कॉस्टिंग रिड्यूस करने के लिए हम 170 के 2 कॉल ऑप्शन बेचेंगे जो कि 60 रुपए 60 पैसे 70 पैसे के आसपास चल रहे हैं। फिर इस पूरे ट्रेड में हमारी कॉस्टिंग बैठेगी 2.30 रुपए। तो अगर स्टॉक 160 के नीचे बन देता है एक्सपायरी पे, तो हमें मैक्सिमम लॉस इसके अंदर 3600 रुपए होगा। लेकिन अगर हमारा व्यू सही जाता है, स्टॉक 170 के आसपास एक्सपायरी पे बन देता है, तो हमें मैक्सिमम मुनाफा होगा इसके अंदर 16600 रुपए। तो हमें ऑलमोस्ट इसमें 1:4 का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठता है जो कि काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी में एक ही हफ्ता बाकी है। इसमें हमें एक रिस्क भी रहेगा, हमने एक कॉल ऑप्शन नेकेड बेचा है, एक्स ज्यादा बेचा है, तो उसमें अगर स्टॉक 178 के ऊपर जाता है उस केस में हमको वहाँ पे एक लॉस वाला सिचुएशन आ जाएगा। तो 178 के इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 178 के स्टॉप लॉस से इस स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिरसा गो पर अगर आपका एक तेजी का इरादा है तो यह है रणनीति आपके लिए, जहाँ पर 160 का कॉल खरीदना है 3 रुपए के आसपास, उसकी कॉस्ट कम करने के लिए 170 के 2 कॉल बेच दें और उससे प्रीमियम मिलेगी आपको 1.20 रुपए की, मैक्सिमम आपको मुनाफा इस पे हो सकता है 16600 रुपए का इस रणनीति पर, लेकिन आप ऊपर के लेवल पर स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। लेकिन इस बीच एक और खबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही, वो है पावर सेक्टर से जुड़ी हुई। पावर मिनिस्टर के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर जो आ रही वो ये कि पहली बात, जो बेलआउट स्कीम है वो 31 मार्च के आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, और 31 मार्च तक ही इस बेलआउट स्कीम में जिन किसी भी राज्य सरकारों को या फिर डिस्कॉम्स को भाग लेना है वो ले सकते हैं। जो इस वक्त खबरें आ रही वो ये कि टोटल 1,60,00,000 करोड़ का ये जो 1,60,000 करोड़ का जो बेलआउट पैकेज है, इसमें 8 राज्य सहमति दे चुके हैं, और इसका मतलब ये कि 70% जो डिस्कॉम्स हैं उनकी सहमति आ चुकी है। 31 मार्च तक इस स्कीम का समय है और अगले 2 दिनों में उम्मीद की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और RBI की तरफ से इस स्कीम को मंजूरी मिल सकती है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त स्क्रीन पर आपके फ्लैश होती हुई दिख रही है पावर फाइनेंस कंपनियों के लिए और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के यहाँ पर जो कुछ भी बेलआउट पैकेज है उस पर।
और वक्त है अब बजिंग स्टॉक्स पर राय लेने का, और यहाँ पर हमारे साथ शुभम है। शुभम, सबसे पहले राय भारतीय एयरटेल पर ही लेना चाहूँगा। आज जिस तरह का प्रदर्शन इस स्टॉक ने किया है, 7% की उछाल है, ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 10% की बढ़त, क्या करना चाहिए? दो दिनों में काफ़ी पिटा था, आज उछाल। यस, अगर आप भारती का चार्ट देखें तो जो 310 के लेवल से एक फॉल इनिशिएट हुआ था स्टॉक में, तो स्टॉक वापस उसी लेवल की ओर बढ़ रहा है। बट मुझे लगता है बिकॉज जो डाउनसाइड और स्विंग लो हमें देखने को मिला था दैट वाज अराउंड 275, तो अब जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो लॉन्ग में फेवरेबल नहीं है, बिकॉज वी माइट सी एन अपसाइड ऑफ 7-8 रुपीज़, और उसके लिए जो रिस्क है दैट इज़ ऑलमोस्ट 25 रुपीज़। सो नॉट रिकमेंडिंग टू बाय, बट यस, इफ किसी के पास अगर ऑलरेडी होल्डिंग है और अगर वो लास्ट जो फॉल हुआ था अगर उसमें अगर ऊपर के लेवल पे पहले नहीं बेच पाए हैं, तो आई थिंक उनके लिए एक एग्जिट करने के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है। सो अराउंड 310-312 मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो से भारती में एक एग्जिट कर लेना चाहिए बिकॉज द शॉर्ट टर्म पैटर्न्स आर नेगेटिव। और अगर उसके सामने अगर हमें एक स्वैप करना हो तो मुझे लगता है आइडिया इज समथिंग विच इज अ बेटर सेटअप विद इन द टेलीकॉम स्पेस। इसके साथ ही टाटा मोटर्स पर आपसे राय लेना चाहूँगा। इस मजबूत बाजार में कभी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है स्टॉक, और आज का टॉप लूजर है 3.5% की गिरावट के साथ, क्या करना चाहिए यहाँ पर? अगर हम ओवरऑल ऑटो सेक्टर को देखें तो एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है हमारी ऑन द ऑटो स्पेस, और टाटा मोटर इज ऑलमोस्ट 30% वेटेज इन द CNX ऑटो। तो मुझे लगता है ये जो अभी इमीडिएट हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है फ्रॉम अ लेवल ऑफ 280 विच वॉज मल्टीपल बॉटम इन द स्टॉक, तो अगर आज हमें उसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलता है, अगर वो कन्फर्मेशन होता है, तो मुझे लगता है द स्टॉक इज हेडेड टूअर्ड 260 विच इज अ मीडियम टर्म सपोर्ट फॉर द स्टॉक। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है टाटा मोटर में, जो कि बहुत दिनों से इंडिकेट कर रहा है कि 260 इज समथिंग विच इज़ पॉसिबल। सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर सेकेंड हाफ, अगर वो ऐसा ही कमजोर रहता है और एक 278 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है, आई थिंक पीपल शुड लुक टू एग्जिट और इवन गो शॉर्ट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 285, और जो टारगेट हम शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं दैट इज एट 260 रुपीज़। शुक्रिया शुभम आपका CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकाल कर स्टॉक फ्यूचर्स और निफ्टी फ्यूचर्स पर अपनी राय देने के लिए। और इस बीच बाजार 150 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स पर और निफ्टी पर है 50 अंकों की मजबूती। दिन के हाईएस्ट लेवल पर बाजार फिर से आ चुके हैं और अच्छी खासी तेजी और मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। वायदा से फायदा में आज के लिए इतना ही, लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद होगा बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।